आप आप मुझे दंगाइयों के हवाले करेंगे? अरे मैं तो खुद एक दंगाई हूं। आप तो मुझे मेरे अपने आदमियों से बचा रहे हैं। मैं उनसे अलग नहीं हूं। सुन रहे हैं आप? मैं उनसे बिल्कुल अलग नहीं हूं। मैं भी वही करता हूं जो वो करते हैं। बस जरा दूसरी गली में जब रथ पहुंचा मैं उसी गली में था और मैंने भी ठीक वही किया। मैं जोर से चिल्लाया, जिंदगी भर मुझे जिस बात के लिए मना किया गया था वो करने की इजाजत। मेले में बैठे एक बच्चे की तरह चीखने चिल्लाने की इजाजत, जिसे पहली चीख की खुशी होती, एक अजनबी सी आजादी की खुशी। फिर जैसे जैसे दुनिया छूटती जाती है, दहशत बढ़ती जाती है। फिर वो चक्री दोबारा जमीन की तरफ आती है। आप उतरकर भाग जाना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये दुनिया आपसे छूटे। फिर ये चक्कर बार 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 दोहराया जाता है। आपका सर चक्कर खाने लगता है और आप पिलक कर अपने आप से ये सवाल करते हैं कि मैं यहां क्यों हूं? यहां मेरा क्या काम? चक्कर खत्म होता है। आप नीचे उतरते हैं और जिंदगी भर बौखलाए फिरते हैं। बहुत बहुत भयानक होता है भ्रम का टूट जाना। क्या हम सब गुस्से और निराशा से लथड़े हुए नहीं? और ये बब्बन ये ऐसी किसी मीटिंग में नहीं आया क्योंकि ये तो खुद अपना मजहब भुला देने की कोशिश में लगा था। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। जब तुमने मुझे कहा ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं तभी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी क्योंकि तुम्हें तो मजहब की बातें करने वाला हर आदमी गलत लगता था।